नमस्कार दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, पार्टनरशिप पार्टनरशिप एक ऐसा टॉपिक आज हम लेकर आए हैं जिसमें आप में से हर बच्चा इंटरेस्टेड रहता है, और मुझे पता है कि आप पढ़ाई के नज़रिए से उसमें इंटरेस्टेड नहीं रहते, पर किसी और नज़रिए से इंटरेस्टेड रहते हैं। ठीक है, पर हम बात कर रहे हैं पढ़ाई की। तो पार्टनरशिप हर चीज़ ऐसी होती है साझेदारी, जो इंसान अपनी मर्जी से करता है। तो आज के क्लास के अंदर हम क्या देखने वाले हैं, सीपीओ के अंदर कुछ एक क्वेश्चन ऐसे आए जिसके साथ बच्चों की पार्टनरशिप नहीं हो पाए, यानी जो बच्चों को लगे काफ़ी सारे मुश्किल। ठीक है, तो आज हम देखेंगे उस क्वेश्चंस को आसान तरीके से आप कैसे कर सकते हैं। और पार्टनरशिप की ना एक खासियत रहती है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन हमेशा लास्ट में अटैम्प्ट किया जाता है, ऐसा बहुत कम लोग बताएंगे आपको। ऐसे इसलिए क्योंकि लैंग्वेज बहुत बड़ी होती है, इतने में आप पूरा पढ़ेंगे इतना टाइम निकलता है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको लास्ट में ही अटैम्प्ट करना चाहिए। और पार्टनरशिप की खास बात ये है कि इसके अंदर आपकी कैलकुलेशन स्किल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है, और कैलकुलेशन स्किल के जोर पे ही पार्टनरशिप का क्वेश्चन छोटा हो सकता है, और कोई तरीका नहीं है पार्टनरशिप का क्वेश्चन छोटा करने का। ठीक है, आइए बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहले क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करूँगा। फर्स्ट क्वेश्चन है ये, और पार्टनरशिप के क्वेश्चन आपको पता ही है, देखिए बड़े बड़े होते हैं, लेंथी होते हैं, तो आज हम देखेंगे कि लेंथ कितनी छोटी कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो छोटी हो सकती हैं। ठीक है, केवल उसी पे काम करेंगे। ए बी और सी एक साझेदारी में जाते हैं इस पूंजी के साथ। सबसे पहले तो पूंजी का अनुपात आपको डायरेक्ट नहीं पता, सबसे पहले पूंजी का अनुपात डायरेक्ट बनाइए। अगर ए बी और सी पूंजी का अनुपात अगर मैं डायरेक्ट बनाता हूँ, 3, 5, 6 का एलसीएम मैं लेता हूँ जो कि 30 हो जाएगा। 30 का मतलब है इसे 10 से गुणा करना यानी 20 हो गया, 30 का मतलब है इसे 6 से गुणा करना यानी 18 हो गया, 30 का मतलब है इसे 5 से गुणा करना यानी 25 हो गया। ठीक है, एक स्टेप हमने यहाँ पर बचाया। अब बढ़ते हैं आगे। 8 महीने बाद ए ने अपनी राशि 25% बढ़ा ली, यानी 8 महीने तक तो उसने वही राशि रखी, उसके बाद उसने अपनी राशि 25% बढ़ा ली। ठीक है, यानी 5 और बढ़ा ली, 25 से 20 से 25 हो गई, और वो रहेगी 4 महीने के लिए। ठीक है, 25 × 4 18 जो रही बी की, वो रही 12 महीने के लिए, और सी की भी राशि रही 12 महीने के लिए। अब देखिए, जो मेनली बच्चे गलती करते हैं वो ये गलती करते हैं कि इसे लगातार मल्टीप्लाई और ऐड, मल्टीप्लाई और ऐड, मल्टीप्लाई, और फिर काटेंगे बाद में और फिर अनुपात निकालेंगे। तो यहीं पर ही आपको ध्यान से समझना है, और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी पार्टनरशिप के अंदर कि कैलकुलेशन कैसे कैसे छोटी हो सकती है। आपको क्या करना है, यहीं से ही काटना शुरू करना है। अगर मैं देखता हूँ, मैं 4 से काटना शुरू करता हूँ, तो 4 गया तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो 2 बारी में गया, इसमें भी 4 है, 3 बारी में गया, इसमें भी 4 है, 3 बारी में गया। ठीक है, अब आप देखते हैं 40 और 25 65 हो गया, कैलकुलेशन आसान हो गई। 18 × 3 = 54 हो गया, 25 × 3 = 75 हो गया। अब आपको क्या बोलता है कि भाई किसका हिस्सा निकालना है, सी का हिस्सा निकालना है। ठीक है, और प्रॉफिट है 5,820 रुपये। अगर सी का हिस्सा निकालना है तो सीधी सी एक बात तो पक्की है कि आंसर 3 से तो भाग हो गई होगा। क्या ये 3 से भाग हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्या ये 3 से भाग हो रहा है, हाँ हो रहा है। 3 से भाग हो रहा है, नहीं हो रहा है। 3 से भाग हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो आपका डायरेक्ट ही आंसर आ गया। ठीक है, आप यहीं से देख के डायरेक्ट आंसर मार्क कर सकते हैं। 75 के अंदर 3 आ रहा है, 3 का मल्टीपल आंसर होगा, क्योंकि इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसलिए टोटल में 3 नहीं आएगा, तो इसलिए आप बोल सकते हैं कि ये आंसर आपका 3 से मल्टीपल हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। दूसरी चीज़, अगर आप बनाते भी हैं, मान लेते हैं कोई बच्चा यहाँ तक नहीं पकड़ पाया इस चीज़ को, अगर बनाता है वो, तो भी आपको मैंने MG कॉन्सेप्ट बता रखा है, उसी तरीके से लगाना है। आप अगर देखते हैं 6, 5, 11, 7, 18, 189, 194 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है, 5820। आपको वैल्यू निकालनी है 75 यूनिट की। अब ध्यान से अगर आप देखें, MG कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया हुआ है, जिसने MG कॉन्सेप्ट नहीं सीखा हुआ पहले वो वीडियो देखें MG कॉन्सेप्ट की।
आपने देखा कि इसके अंदर तीन आ रहा है, इसके अंदर भी तीन आ रहा है, 8 5 13 2 15, यानी ये भी 3 से भाग हो रहा है, ये भी 3 से, ये दोनों तो मल्टीप्लाई होते हैं, और आंसर में क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो आप देखेंगे जो 9 से मल्टीपल होगा, 9 का मल्टीपल होगा, वो ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3 नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। तो पहले ही क्वेश्चन में हमने शानदार कैलकुलेशन स्किल्स देखी कि कैलकुलेशन स्किल आपकी क्या हो सकती है, जिससे ये क्वेश्चन छोटा हो सकता है। पहले आपने फर्स्ट स्टेप में आपने टाइम बचाया, फिर उसके बाद आपने कैलकुलेशन में यहाँ टाइम बचाया, उसके बाद आपने यहाँ से मल्टीपल देख लिया, तो एक ही क्वेश्चन में 3 स्टेप में टाइम बचाया हमने। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी और सी एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं इतनी पूंजी के साथ, हर 3 महीने बाद ए अपनी पूंजी को आधा कर लेता है, जबकि बी दोगुना कर लेता है, और सी अपनी पूंजी में कोई बदलाव नहीं करता है। आइए देख लेते हैं। अगर बात करता हूँ मैं ए की, ए ने स्टार्ट किया 4 रुपये के साथ, तो पहले 3 महीने 4 रहेगा, फिर 2 रहेगा, फिर 1 रहेगा, फिर 0.5 रहेगा, और ऐसा कब रहेगा, 3 3 महीने के लिए रहेगा, ×3 कर दिया, क्योंकि प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट ×टाइम, जो लाभ होता है वो इन्वेस्टमेंट ×टाइम होता है, निवेश ×समय। तो निवेश आपने निकाल लिया, ×समय कर दिया, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, तो आपने ये लिख दिया। अगर मैं बी की बात करता हूँ, बी अपनी राशि दुगनी कर देता है, अगर ये 2 है, ये 4, ये 8, ये 16, और ये भी 3 महीने के लिए। ठीक है, 3 3 3 3 महीने के लिए, पहले 3 महीने, फिर अगले 3 महीने, फिर उससे अगले 3 महीने, फिर उससे अगले 3 महीने। ऐसी बात मैं करता हूँ अगर सी की, सी निवेश करता है 9 रुपये की राशि और 12 महीने के लिए। अब देखिए यहाँ समझने वाली बात है, अगर आप ध्यान से देखते हैं, अगर मैं 3 से काट देता हूँ, 3 3 इसका गया और 3 इधर आ गया, तो जो अनुपात आ गया 4 2 6 और 1 7, यानी 7.5, 16 8 24 4 28 2 30, और ये आ गया आपका 12 3 36। ठीक है, ये आ गया, तो 36 30 और 7.5। अब आपको निकालना क्या है, कुल मुनाफा आपको निकालना है। ठीक है, और आपको दे क्या रखा है, दे रखा है ए का मुनाफा, ए का मुनाफा आपको दे रखा है 24,000 रुपये, यानी 7.5 यूनिट की वैल्यू 24,000 है। ठीक है, आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, 30 36 66 और 7 73, 73.5 की। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अगर मैं देखता हूँ ध्यान से, तो अगर मैं 3 से काटता हूँ तो 2.5 आ गया, ये 8 आ गया, 8,000 लिखने की जरूरत नहीं, मैं 8 ही लिख लेता हूँ, क्योंकि 0 आपको काटने हैं। आगे आने वाले क्वेश्चन में आपको ये बताया जाएगा कि 0 जो लगातार इतनी बड़ी बड़ी रकम दे दी जाती है क्वेश्चंस के अंदर, उसके अंदर आपको कैलकुलेशन कैसे मिनिमाइज करनी है, आधा से ज़्यादा टाइम तो 0 लिखने में लग जाएगा। अब आप देखते हैं इसकी वैल्यू, अब मैं अगर डी एस लगाता हूँ, 7 3 10 1 और 5 6 हो गया, 6 8 48 हो गया, यानी 3 नीचे 7 ऊपर 4, तो 3 हो गया, यानी आप देखते हैं 5 4 9 3, इसके अंकों का योग 3 है, इसका नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, तो ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। देखिए 7.5 30 और 36 73.5 हो गया, 7.5 की वैल्यू ये है, डी एस आपने लगाया तो 3 आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन है ये काफ़ी लेंथी सा लग रहा है। ए बी और सी किसी साझेदारी में जुड़ते हैं, उनकी पूंजी जो है इस अनुपात में है,
सबसे पहले पूंजी का अनुपात अगर ये दे रखा है तो पहले इसे ही कन्वर्ट करना है, एबीसी अगर मैं देखता हूं, ए बी और सी, ठीक है। अगर मैं एलसीएम लेता हूं, एलसीएम कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। 40 का मतलब इसको 8 से करेंगे 16, 10 से करेंगे 30, 5 से करेंगे 25, 16, 30 और 25 आ गया। अब वो क्या बोलता है, 4 महीने बाद ए अपनी पूंजी 50% बढ़ा लेता है, ठीक है। तो 4 महीने तो इसने यही राशि रखी, उसके बाद 50% बढ़ा दिया, यानी 24 हो गया। परंतु बी अपनी पूंजी, और ये हो गया 8 महीने के लिए, परंतु बी अपनी पूंजी 20% कम कर लेता है 4 महीने बाद, ठीक है। तो 8 तीन हो गया 24, इंटू 8। अब ध्यान से समझिएगा बिल्कुल बात को, यहां पर वो क्या कह रहा है, 4 महीने बाद ए अपनी पूंजी बढ़ा देता है 50% और बी अपनी पूंजी 20% कम कर देता है, और सी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, यानी फिक्स है सी की 12 महीने के लिए। अब मेन बात यह है कि यहाँ की कैलकुलेशन आप किस तरीके से करते हैं, सारा खेल ही कैलकुलेशन का है। 4 ये हो गया तो ये 2 आ गया, अगर ये 4 से गया तो ये 2 आ गया, 4 से गया ये आ गया 2, 4 से गया ये आ गया 3, ठीक है। अब आप ध्यान से देखते हैं, 24 दूनी 48 और 16, 48 और 16 कितना हो गया, 64 हो गया। 24 दूनी 48 और 30 78 हो गया, 25 तीन 75 हो गया। ये ए बी सी के मुनाफे का अनुपात आ गया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम आप कर चुके हैं। अब देखते हैं क्या कह रहा है, 282100 का मुनाफे में से बी का कितना होगा, यानी आपको निकालना है टोटल। अगर आप देखते हैं 6 7 13 7 20, 212 और 5 217, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 2821 2821। एक बार चेक कर लेता हूं क्वेश्चन, हाँ ठीक है ठीक है। तो 217 यूनिट की वैल्यू आपको 2821 दे रखी है। अगर ध्यान से देखते हैं, आपको निकालना है बी का हिस्सा, बी का हिस्सा यानी 78। अब अगर आप ध्यान से देखते हैं, या तो कोई मल्टीप्लायर मिले या कोई डीएस मिल जाए। अगर आप देखते हैं अंकों का योग, इसका 4 हो गया, इसका 1, ये तो भूल जाएंगे, और ये 8 7 15 यानी 6 हो गया, 4 6 24 यानी 6, जिसके अंकों का योग 6 होगा वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। आप देखते हैं किसका है, 9 तो कट गया, 7 5 4 2 13 और 13, तो यानी बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सभी को क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, और सीपीओ का ही क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि हमने लिया है एग्जाम में, जो क्वेश्चन आया उसको करने का तरीका बताया। पहले आपने टाइम बचाया यहाँ, फिर कैलकुलेशन पे, फिर यहाँ पर आपकी कैलकुलेशन पे टाइम बचा, हर क्वेश्चन में लगभग 3 स्टेप में टाइम बच रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, तो लास्ट तक देखिए, देखने का फायदा आपको जरूर होगा, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और धीरे धीरे करके हम देख रहे हैं क्या क्या क्वेश्चन आए हैं एग्जाम के अंदर। अब यहाँ पर ये कहता है कि ए बी से इतने रुपए अधिक निवेश करता है, और बी अपनी राशि 7.5 महीने के लिए, और ए 10 महीने के लिए, ए 10 महीने के लिए, बी 7.5 महीने के लिए, यानी टाइम का रेशियो दे रखा है आपको, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। और इतने के कुल मुनाफे से इतना कम। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ सीखने वाली, जो जैसे कि मैंने कहा था कि लास्ट तक जरूर देखिएगा, फायदा जरूर मिलेगा। अब देखते हैं लास्ट तक देखने का फायदा, अगर मैं 3 जीरो हटा देता हूँ सब में से, क्योंकि मेरे को मिनिमम नंबर ऑफ जीरो 3 जीरो नजर आ रही है सब में। अब ऐसा नहीं है कि इसे बार बार लिखा जाए, ठीक है, इसे लिखे बिना भी आपका काम चल सकता है। तो आपने एक बात देखी कि 1240 रुपये की कुल राशि में से
बी का हिस्सा 248 रुपए कम है ए से, ठीक है, बी का हिस्सा ए से 248 रुपए कम है, इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये हो गया, ये आ गया 1240 रुपए। तो 1240 और 248 यानी 1488, 1488 को दो से भाग करूंगा तो ए की वैल्यू आ जाएगी 744, ठीक है। आपसे पूछिए बी की कैपिटल, ये ए का आपको मुनाफा मिल गया कि ए का मुनाफा कितना है, डबल जीरो मैंने हटा दिया है, आपने देखा कि ए प्लस बी 1240 के बराबर है, बी इसके बराबर है, ठीक है। वैसे तो हम ये करते हैं कि भाई 1240 में 248 जोड़ने पर दोनों के हिस्से बराबर हो जाएंगे, तो आपने ए और ए निकल जाएगा, 744 आ जाएगा, ए की वैल्यू आ गई 744, ठीक है। अब आप क्या देखते हैं, ए की वैल्यू अगर 744 है तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू इसमें से घटाने पर आएगी, ठीक है, इसमें से अगर आप घटाते हैं तो 496 हो जाएगी, ठीक है। 744 में से आपने 248 घटा दिया तो 496 आ गया, तो बी का हिस्सा, बी का प्रॉफिट ही है, ये क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। अभी मैं आपको ये दिखाऊंगा कि यहाँ पर ही आपने कितना समय बचाया। अब आप देखते हैं इन्वेस्टमेंट का जो अनुपात होता है वो प्रॉफिट इनटू टाइम होता है, प्रॉफिट यानी ए का प्रॉफिट, बी का प्रॉफिट और ए का टाइम और बी का टाइम, ठीक है, ये आ गया। क्योंकि हाँ सही है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब मैं अगर इसे काटता हूँ, इसे अगर आप काटते हैं, आठ से काटता हूँ, आठ से 48 हो गया बचा एक, आठ दूनी 16, आठ निम 72 हो गया बचा दो, आठ तीय 24, 31 दूनी और 31 तीया, ठीक है, ये आ गया। तीन से तीन कट गया, दो से चार कट गया, दो अनुपात एक आ गया। दो अनुपात एक का मतलब हो गया कि भाई एक की वैल्यू आप कितनी हो गई, दो की है। एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा से, ध्यान से देखेंगे और मैं क्वेश्चन भी चेक कर लेता हूँ एक बार। एक बार क्वेश्चन भी चेक कर लेता हूँ क्योंकि आंसर गड़बड़ लग रहा है यहाँ पर। ए का हिस्सा 744 रुपये है, अगर बी का 4496 आ गया, प्रॉफिट का रेशियो आ गया, प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, गलत कर दिया ना मैंने यहाँ पर, देखिए क्या गलती कर दी मैंने, बात समझिएगा ध्यान से, प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो जो प्रॉफिट का अनुपात है वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का रेशियो के बराबर होगा, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, टाइम आ गया 4/3, ठीक है। तो अब इसे काटते हैं, इसे हम काटते थे तो क्या आ गया था, 3/2 आ गया था, ठीक है, तो 9/4 आ गया था, 8 6 48 हो गया, 8 2 16, 8 9 72 हो गया, 8 3 24 हो गया, 31 2 31 3, ठीक है, तो 9/8 हो गया बेसिकली, ठीक है। तो 9/8 का मतलब है कि भाई 9 यूनिट ये है, 8 यूनिट ये है, और आपको क्या दे रखा है, अंतर दे रखा है 1 यूनिट का, तो भाई 9 को लिखने की ज़रूरत ही क्या है, 9 को मत लिखे ना, ठीक है। और आपको बी का हिस्सा निकालना है, सीधी सी बात है, तो बहुत सिंपल हो गया। आगे एक की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 600, 8 की कितनी हो गई, 4800 हो गई, तो यानी सी ऑप्शन आपका आंसर आ गया। अब बात समझिएगा बहुत ध्यान से कि कहाँ कहाँ हमने समय बचाया, ठीक है। पहले तो आप ये चीज़ जो मैंने लिख के बताई है ये डायरेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज, हमने यहाँ पर जो डबल जी, आप कितनी बार जीरो लिखते, देखिए 3 बार जीरो 12 बार 0 आ गया, ठीक है, 12 और 3 15 3 18 3 21 3 24, 24 बार तो आपको जीरो लिखने से बचाया मैंने, 24 बार बता रहा हूँ। अगर आप 24 बार जीरो लिखते हैं ना,
देखिएगा क्या 8 से 10 सेकंड से कम टाइम लगता है, तो 8 से 10 सेकंड का टाइम लगेगा ही लगेगा अगर आप 24 बार जीरो लगातार भी लिखते हैं, आपको पता है कि जीरो ही जीरो लिखनी है, ठीक है। तो पार्टनरशिप के अंदर इस चीज़ का ध्यान रखना होता है, कई बार हम जो नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा होते हैं तो उसे एलिमिनेट कर देते हैं, बाकी बचे हुए पार्ट पे फोकस करते हैं, और कितनी जीरो एलिमिनेट करते हैं, जो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस होती हैं उतनी जीरो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इसमें तो सॉल्यूशन के लिए ही जगह नहीं है, चलिए छोटा कर देते हैं थोड़ा। ठीक है चलिए, अब देखिए क्वेश्चन इतने बड़े होते हैं, जब क्लास स्टार्ट करी थी तो मैंने आपको ये बताया था कि भाई पार्टनरशिप के क्वेश्चन मैं तो ऐसे ही करता था कि सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करता था, जैसे कि आप ये क्वेश्चन ही देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 तो लाइनें ही हो गई इसके अंदर, ठीक है। तो 6 लाइन आप पहले पढ़ेंगे, उसके बाद कंक्लूजन पे आएंगे कि आपको क्या करना है, ये भी हो सकता है कि आपको 6 लाइन पढ़ने के बाद छोड़ना पड़े, तो आपको ध्यान रखना चाहिए ये चीज़ कि भाई पार्टनरशिप का क्वेश्चन लास्ट में अटेम्प्ट करना है। आइए देख लेते हैं, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, अब मैं यहाँ पर सबसे पहले, ठीक है सबसे पहले अगर मैं देखता हूँ, अगर मैं 3 जीरो हटा देता हूँ, ठीक है, ये सारी जीरो किसकी हैं, ये इन्वेस्टमेंट की हैं, इन्वेस्टमेंट की आपने 3 3 जीरो हटा दी हैं। अगर आप देखते हैं ए बी और सी, ए बी और सी, ए की जो कैपिटल है 112 हो गई, अब वो बोलता है कि 2 महीने बाद बी शामिल होता है 80 रुपये के साथ, ठीक है, और उसके भी 2 महीने बाद सी शामिल होता है 72 रुपये के साथ, ठीक है, और शुरू के 10 महीने बाद इसने इससे 2 महीने बाद ज्वाइन किया, देखिए, और इसने इससे 2 महीने बाद, तो शुरू के अगर 10 महीने बाद की बात हो रही है तो स्टार्टिंग से बी के 8 महीने बाद की बात होगी, ठीक है, क्योंकि 2 महीने तक तो उसने ज्वाइन ही नहीं किया था, उसने ज्वाइन ही दूसरे महीने में किया था, तो 10 महीने का मतलब उसकी राशि जब 8 महीने के लिए लग गई, ठीक है। बी ने क्या करा, 8 रुपये निकाल लिए, यानी 72 रुपये बचे, ठीक है, बी ने 72 रुपये बचे बी के, और उसको पूरे साल लगाया, ठीक है, यानी 2 महीने के लिए लगाएगा, पूरे साल का मतलब क्या है, अब 10 महीने के बाद कितने महीने बचते हैं, 2 महीने ही बचते हैं। अब सी की अगर बात करते हैं, 10 महीने बाद, अब सी का मतलब हो गया 6 महीने के लिए, सी के पास तो 6 महीने का ही वक्त बचा, क्योंकि 4 महीने बाद उसने निवेश करना शुरू किया, ठीक है, और इसके पास भी अब 2 महीने बचे हैं, और ये क्या करता है, 8 ये भी निकाल लेता है, 72 में से 8 गया, 64 आ गया, और इसके पास भी 2 महीने बचते हैं। ए ने अपनी कैपिटल पूरे टाइम के लिए लगाई है, तो ये 12 आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले तो यही जरूरी है कि आपको ये डाटा समझ आए एग्जैक्टली इस बात का मतलब क्या है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए काफ़ी ज़्यादा घुमा दिया एग्जामिनर ने इसे, यानी आपको ये सोचना पड़ेगा, यहाँ गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब मैं ध्यान से देखता हूँ, अगर मैं 4 से काटता हूँ, अगर मैं 4 से काटता हूँ, 4 3 12, 4 2 8, ये 18 आ गया, ठीक है, ये भी 18 आ गया, ये 16 आ गया, अभी भी मैं सब में देख सकता हूँ 2 2 2 2 आ रहा है, तो 2 अगर हटा देते हैं तो ये आ गया 56, 2 अगर हटाते हैं 2 गया, ये भी 2 गया, 2 अगर हटाते हैं तो ये 3 आ गया,
टू अगर हटाते हैं तो ये टू गया, तो आप देखते हैं 18 थी ये 54, ठीक है। अब मैं अगर तीन पे काम करता हूँ, तीन पे काम नहीं कर सकता मैं, 18 थी ये 54 और 16 70 हो गया, 70 यूनिट, ठीक है। 18 ये हो गया और 80 ये हो गया 98, और ये 56 हो गया, 56 इंटू तीन, 56 इंटू तीन अगर आप देखते हैं तो 168 हो गया, ठीक है। तो ये 168 आ गया। अगर मैं इसे 14 से काटता हूँ, 14 पंजे 70, क्योंकि मुझे दिख रहा है इसमें भी 14 आ रहा है, तो यहाँ पर भी अभी मैं 2 से और काट सकता था, देखिए सभी को उस नंबर के अंदर 2 था, इसका मतलब 14 पंजे 14 सत्ते 14 इंटू 12, 12 अनुपात 7 अनुपात 5। अब क्या बोलता है, बी को राशि मिलती है 9800 रुपये की, यानी 7 यूनिट का वैल्यू 9800 है, जो कि 14 गुना हो गया, तो टोटल प्रॉफिट कितना था, 7 5 12 और 12 24, ठीक है। यानी 7 यूनिट की वैल्यू अगर 9800 है, 24 यूनिट की आपको निकालनी है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, तीन का मल्टीपल तो हो गई होगा, तीन का मल्टीपल तो ये भी है, तीन का मल्टीपल ये नहीं है, तीन का मल्टीपल ये नहीं है, तीन का मल्टीपल ये भी है, बट एक चीज़ और मैं यहाँ देख सकता हूँ कि आंसर में केवल तीन आएगा, क्योंकि इसके अंदर तीन आ रहा है, आंसर में नाइन नहीं आएगा, थ्री का मल्टीपल होगा पर नाइन का नहीं होगा। तो कई बार हम ये भी देख लेते हैं, तो इसमें नाइन आ रहा है, ये ऑप्शन कट जाएगा, ये ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, यानी डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो बड़ा क्वेश्चन था काफ़ी, अब मेन डिपेंड ये करता है कि आपकी कैलकुलेशन स्किल कैसी है, उस पर बेस आपका ये पूरा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए अपनी कुल पूंजी का एक तिहाई, फिर बी शेष पूंजी का एक तिहाई लगाता है, यानी सीधी सी बात है कि जो पूंजी आपको लेनी है उसे दो बार तीन से डिवाइड करना है, 1/3 और 1/3। तो मैं अगर पूंजी 9 ले लेता हूँ, ठीक है, अगर कैपिटल 9 है तो ए एक तिहाई यानी 3 हो गया, बचा कितना 6, 6 का एक तिहाई आ गया आपका 2, ठीक है, और सी शेष राशि निवेश करता है ये आ गया 4, ठीक है, टोटल आपका 9 है इसलिए 4 आ गया। एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल प्रॉफिट है इतना 20250, ये हो गया आपका कितना 4 2 6 3 9, 9 यूनिट की वैल्यू है। आपसे पूछी गई है कि सी का प्रॉफिट बी से कितना ज़्यादा होगा, तो 2 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। अगर मैं काटता हूँ 9 2 18 बचा 2, 9 2 18 बचा 4, 225, 225 का दुगना होता है 450, 450 आपको यहाँ नज़र आ रहा है, ये वाला ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो बेसिक क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था क्वेश्चन में। एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, आइए देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन ऐसा लग रहा है क्योंकि इसमें बहुत सारे डाटा आपको दे रखे हैं, डबल हाफ ये रेशियो सब चीज़ें दे रखी हैं। आइए देखते हैं, ए बी और सी एक व्यापार शुरू करते हैं कि ए का राशि बी का राशि और सी की राशि का अनुपात 1:4:4 है, हर 3 महीने बाद ए अपनी राशि डबल कर लेता है। ये तो वैसे ही क्वेश्चन हो गया जैसा आपने पढ़ा था, तो 1 2 4 8 हर 3 महीने बाद ये डबल कर लेता है, तो 2 + 4 + 8 × 3, ठीक है, और बी आधी कर लेता है, यानी 4 + 2 + 1 + 1/2 × 3, ठीक है, और सी क्या करता है, अपनी राशि को नहीं बदलता है, यानी सी तो 4 इन्वेस्टमेंट करता है और 12 महीने के लिए करता है, ठीक है। अब जैसा कि उस क्वेश्चन में किया था वैसे ही हम इस क्वेश्चन में भी करने वाले हैं। अगर मैं 3 से डिवाइड कर देता हूँ, 3 3
ये चार हो गया, तो ये कितना हो गया, 8 4 12 तो 14 और 1 15, ए का प्रॉफिट आ गया। बी का प्रॉफिट देखते हैं, 4 2 6 और 1 7 7.5, और अगर आप सी का प्रॉफिट देखते हैं तो वो 16 हो गया। ठीक है, तो 15 7.5 और 16 अगर आप देखते हैं ध्यान से, अगर मैं ध्यान से देखता हूँ इसे, आपको बोला गया कि बी का शेयर कितना है 450। ठीक है, तो बी का जो शेयर है 7.5, इसकी वैल्यू दे रखी है 4.50, आगे ज़ीरो भी है। ठीक है, तो आगे की ज़ीरो से मतलब नहीं है, 450 पता है मेरे को, इतना है 16 15 31 और 7 38, 38.5 हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका 38.5। अगर मैं काटता हूँ 3 से, ये 2.5 हो गया, ये 150 हो गया। ठीक है, 3 से काटता हूँ, ये 2.5 हो गया, ये 150 हो गया। अब मैं देखता हूँ जो आंसर आएगा वो 3 से तो भाग होगा ही होगा, 4 2 6 3 9, 4 4 8, 8 4 12 3 15, 3 2 5 और 1 6। तो यानी आपने देखा कि यहाँ तो 3 ऑप्शन मिल गए आपको, ये भी 3 से भाग हो रहा है, पर 9 तो नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि 3 से भाग होगा, 9 से भाग नहीं होगा। 8 4 12 3 15, ये 6 आ गया, 3 2 5 और 1 6, ये भी 6 हो गया। ठीक है, अब आप अगर यहाँ देखते हैं, अगर आप देखते हैं कि भाई ये तो इसका 6 गुना दिख रहा है आपको, 25 6 150 होता है, अंदाजा लगाया पूरा, एक्यूरेट कैलकुलेट नहीं किया, 25 6 150 होता है, तो इसका 6 गुना होगा। अगर 40 होता तो 240 होता, 240 से थोड़ा सा छोटा, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपने ये देखा कि भाई इनकी जो राशि है वो लगातार डबल हो रही है। अब मेन तरीका है कि ये तरीका आपको पहले पता हो, फिर आपको ये पता हो कि ये काटना है और फिर इस तरीके से करना है, और यहाँ पर आप डीएस लगा सकते हैं या एमजी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपने ये करा कि भाई इसको 3 से काटा, अगर ये आ गया 2.5 का ये 6, आप देखते हैं 25 को आपने देखा 25 हो गया, ये 6 हो गया इंटू 6, तो इसका इंटू 6 करेंगे। अगर अगर 40 भी होता तो 240 होता, उससे छोटा आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं, आगे देखने के लिए कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन खत्म हो गए आपके पार्टनरशिप के। तो हमने ये देखा कि आज की क्लास के अंदर कि साझेदारी में आप किस किस तरीके से काम कर सकते हैं। बाकी आप लोग लगातार जुड़ते रहिए हमारे साथ, लगातार अपडेटेड मटेरियल आप लोगों के लिए आ रहा है। टेलीग्राम पे चैनल है हमारा, उस पर आपको सभी पीडीएफ लगातार मिल ही रही है, विद सॉल्यूशन मिल रही है। मैं सॉल्यूशन के साथ आपको पीडीएफ दे रहा हूँ। कुछ समझ नहीं आता है तो आप वीडियो देखिए, अगर समझ आया था तो वीडियो देखने की इतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी अर्थमेटिक और एडवांस मैथ ये कंप्लीट पैकेज मैंने आपको बताया था, मैंने बुक निकाली बहुत मेहनत से, एडवांस मैथ लक्ष्य 200 और क्लास नोट्स। ठीक है, जिसका आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जिसने भी ये नहीं ली है तो एक बार लेके जरूर देखिए, आपकी थिंकिंग लेवल में बदलाव जरूर आएगा। इसमें डीएस और एमजी कॉन्सेप्ट दोनों ही आपके डाले गए हैं, इसके अंदर भी काफ़ी जगह मैंने डीएस और एमजी कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। और एक बात और कि लाइक आप लोगों को जब सभी को जरूर करना है, और कमेंट में जरूर मेंशन करिए कि कौन से चैप्टर की क्लास आपको ज़्यादा चाहिए, तो वही क्लास आप लोगों के लिए ज़्यादा आएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।